شرافت نفسی کا تقاضا یہ ہے کہ جو تمہارے کام آئے گا اس کا اس کا نام تم زندہ رکھو دین نکلا تھا اسلام نکلا تھا نبی کے نواسے حسین نے جان دے کر گھر اٹھا کر بچوں کو قربان کر کے اسلام کو بچایا تو اب ہماری شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ کم سے کم ہر گلی اور کوچے میں یا حسین یا حسین کی صدا اللہ کے رسول ہم احسان فراموش نہیں ہیں قرآن نے محبت کا حکم دیا نام حسین لے کے گلی گلی گھومنی ہے اب یہ بچے نے پوچھا مولانا مجلس آپ پڑھیں جی میں پڑھوں تو یہ پورے سڑک پر صاف کر دیے گئے ہیں چونے والے چھڑک دیے گئے ہیں میں نے کہا میں تو جلوس ہو گیا تعلق کا الگ اور لڑکے معلوم نہ ہو پڑے تو پہلے ایک جگہ ہی آپ کو کیوں نہیں کر لیتے تھے جلوس لے کے کیوں نکلے میں نے کہا بیٹا یہ رسول اللہ کی سنت ہے I'm gonna
अकोमोडेशन की कमी नहीं है, ज्यादा की कमी नहीं है कि जन्नत छोटी पड़ जाए। ये छोटी छोटी बात बच्चों के लिए टुकड़े में बता रहा हूँ, इसलिए कि मेरा फालसफा है ना वक्त है और ना नजाकत है ज्यादा। इसलिए मैं मुसलसल अपने नौजवान भाइयों से अपील कर रहा हूँ कि हुसैन की याद बनाना खिलाज अकीदत है, हुसैन का गम मनाना नबी के नवासे की याद बनाना आज रिसालत की अदायगी है। मोहब्बत तो कुरान में आपने सीखा है, तो मोहब्बत तो हम भी करते हैं मगर हम दिल से करते। आपके यहाँ कभी कोई जनाजा हुआ है? अल्लाह का करे कभी नहीं हो, मगर मरते तो रहते हैं। घुसने मैया दिल से देते हैं कि हाथ से देते हैं? कभी शादी ब्याह फंक्शन में खाना खाया है? खाना हाथ से खाते हैं कि दिल से? ये नौजवान भाई थोड़ी सी गैरत को पढ़ो, खाना खाएंगे मुंह से, मोहब्बत करेंगे दिल से। नमाज दिल से पढ़ते हैं, रोजा दिल से रखते हैं। रोजा भी एक अमल है, नमाज भी एक अमल है। वैसे ही कुरान में अकीमु सलात, तो हम नमाज पढ़ते हैं, पढ़ के बताते हैं। इस आयत में मेरा ईमान अकीमु सयाम अल-लैल, रोजा तमाम करो, रात में रोजे की आयत है। हम रोजा रखकर दिन भर बताते हैं कि हम इस आयत का अमल करते हैं। हज के वाजिब होने की आयत है, हम मक्का शरीफ जाके हज करके आते हैं, अमल करके बताते हैं हम इस आयत पर अमल करते हैं। वैसे ही कुल्ला असलकुम अलैह अजरन इल्लल मुबद्दता फिल कुरबा, कुरान की आयत है, इसका कोई तो अमल होगा ताकि हम सबूत दे के हम मोहब्बत करने वाले हैं। ये मातम, ये मजलिस, ये गिरिया, ये नौ, ये अमल है ताकि शुमार हो जाए हम मोहब्बत रहने में। Yes, sir.
सूरज जमीन और आसमान की खिलकत हुई है। ये वो रसूल है, ये महल्ले का एक मौलवी नहीं है, कायनात का रसूल है। वो बुढ़िया की तस्वीर का नहीं लग रही थी, वह बुढ़िया ने दुआ देना शुरू किया, पहचान का बना हुआ। अरे बेटा, अल्लाह तुमको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, मोहम्मद नाम का एक जानवर है, अल्लाह तुमको मोहम्मद से बचाए। बेटा मोहम्मद के चक्कर में ना, वो बहुत बुरा इंसान है, बहुत खराब आदमी है, वो मुसलसल रसूल लकड़ी लिए चले जा रहे हैं। बुढ़िया मोहम्मद मुस्तफा को हाथ पड़ा से बुरा भला नाजे वक्त नमाज सुना था, हुजूर ने घर पहुंचा लकड़ी पहुंचा दिया। बेटा मैंने तुमको दुआ तो दे दी कि अल्लाह तुमको मुहम्मद नाम के खतरनाक जानवर से महफूज रखे, मगर तुम अपना नाम नहीं बताओ तो हुजूर ने सुनाए। उन्होंने कहा आपका काम मुझे कह दिया, दुआ मैंने दे दी, अब मुझे कुछ चाहिए नहीं, इसलिए नाम आपको जानने क्या तो उन्होंने नाम छोड़ दिया। अब रसूल ने देखा कि अगर मैं नाम बता दूंगा तो शर्मिंदा हो जाएगा, इस्लाम जिसको गाली देती आ रही थी। अब अल्लाह का बेटा वही मोहम्मद है, अल्लाह का रसूल बना के भेजा गया। इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम इन्नी लकुम रसूलुन अमीन। बुढ़िया ने कहा आप रसूल हैं, मोहम्मद आप ही का नाम है। मैं एक मरतबा कदमों पर गिरी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल। दोस्तों ये मैसेज है।